अगर
छोटे कार्यकर्ता है तो लिखी नहीं, अमित शाह जी ने लिखी है, सही बात है ना। लेकिन चुनाव अगर उन्होंने चिट्ठी दी, चिट्ठी तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग को मिला, ये मांग कर रहे हैं, ये भी बात हुई, तो इसकी गंभीरता भी इससे सामने आती है। देखिए युवक कांग्रेस की है, बाबूलाल गौर से युवक कांग्रेस, आप भी तो युवा हो, आप भी तो युवा हो, आप ज्यादा युवा बोल रहे हैं। मैं तो वाले तो नहीं, वाले तो नहीं, आप एक 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 साथ मत पूछिए, एक कोई भी प्रश्न कर लीजिए फिर दूसरा कर लीजिए। बाबूलाल गौर जी वाला सवाल का जवाब, बाबूलाल गौर जी एक सच्चे इंसान है, बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिनको ये सच्चाई उनकी बोलते की सच्चाई नहीं स्वीकार करना चाहते, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर मैं जानता था कि आपके प्रश्न मेरे से पूछेंगे। तो जो बाबूलाल गौर जी ने कहा है, मैं उसकी सच्चाई तो वो जानते हैं क्योंकि वो भी शहरी विकास मंत्री थे। सबसे ज्यादा पैसा पूरे देश में मध्य प्रदेश को मेरे कार्यकाल में जब मैं शहरी विकास मंत्री था, और इसके मैं आंकड़े भी लाया हूँ, और ये आंकड़े तो मैं जानता हूँ क्या संक्षेप में बता सकता हूँ, पर साथ साथ मैंने सोचा कि ये आंकड़े कहां से आए, केवल कमलनाथ के कहने से नहीं आए, बाबूलाल गौर तो उन्होंने कल ही कहा, पर जो आज वर्तमान में केंद्र में शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने कहा, मैंने उन्हें पत्र लिखा था कि आप मध्य प्रदेश को इस पीरियड में कितना पैसा मिला, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी और ये सूचना थी कि इतना इतना पैसा मिला, उसकी मैंने समरी बना ली, उसकी मैंने समरी बना ली। ये तो ये कह रहे हैं बेचारे बाबूलाल गौर जी जो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, मैं उनका बहुत आदर ये मैं बता देता हूँ। और ये मैंने इस चिट्ठी जो हरदीप पुरी जो आज मंत्री है इस विभाग के, ये उन्होंने मुझे लिखी, इसकी जो समरी है मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश को ये शिवराज सिंह की अच्छी तरह काम किया, मैं जब परिवहन मंत्री था मैंने सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को दिया, जो इतिहास में कभी ना मध्य प्रदेश को मिला ना आगे मिलेगा, पिछले चार साल में इसका थोड़ा परसेंटेज भी नहीं मिला। तो शहरी विकास में मैंने मध्य प्रदेश को 4,510 करोड़ रुपए दिए और 600 बसेस का एक अलग प्रपोजल था वो मैंने स्वीकार किया। भोपाल के लिए मैंने 215 करोड़ रुपए दिए। यूआईजी स्कीम में जैसे ये केबल स्टे ब्रिज है कमला पार्क में, जो बड़ा का एरिया है तालाब का है, इसके लिए मैंने 126 करोड़ रुपए दिए। ये बात की समरी मैंने बनाई है जो उनके मंत्री है उन्होंने मुझे 21 दिसंबर 2017 को एक पत्र में मुझे लिख के दिया है। तो बाबूलाल गौर जी ने तो सच्चाई की बात कही है, जिनको सच्चाई नहीं पसंद मैं क्या वो सच्चे इंसान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण, जिसको जो सच्चे इंसान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण, मैं तो शिवराज सिंह को भी निमंत्रण देता हूँ। सर 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 कमलनाथ जी, लेकिन बाबूलाल गौर जी की जो पुत्र वधु है कृष्णा गौर, उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सिखों के लड़ संहार में आप क्या आरोप लगा सकते हैं। देखिए जो उनकी बहु कह रही है क्योंकि आप लोग सब उपस्थित युवक कांग्रेस की, क्योंकि आप सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में आ रहे थे, आपके सम्मान के लिए मैंने कहा मेरे यहाँ उपस्थित तुम्हारे लिए। सर मैं जिस दिन आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे उस दिन भी
भी आप हवा में हेलीकॉप्टर घूम रहा है तो जनता भी इसको पहुंच पाएंगे आप? देखिए जनता ने पहले तो 11 जिलों का दौरा कर लिया है, मुझे तो केवल दौरा नहीं करना, मुझे तो बहुत सारी, आज मैंने कई प्रकोष्ठ से चर्चा करी, कई समाजों से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास तो और भी कार्य, मुझे तो घोषणा पत्र भी बनाना, मुझे तो पूरी पब्लिसिटी भी देनी है, तो मैं दौरा करूंगा उसका, हमने योजना बनानी है बड़े तरीके से करेंगे हमें, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं दौरा, हमारे सब नेता दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जहां उनके पास केवल एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है जो आशीर्वाद की यात्रा में निकले है, और कैसा आशीर्वाद मिल रहा है आप लोग खुद जानकारी दीजिए। शिवराज जी का विकास रथ रोड पे सड़कों पे फंस रहा है, देखिए इन्वेस्टर समिट केवल विज्ञापन का था, विज्ञापन देने का और पब्लिसिटी का था, देखिए ये इन्वेस्टर समिट से कोई निवेश मध्य प्रदेश में नहीं आने वाला, एक विश्वास जो निवेश लगाता है किसी प्रदेश में विश्वास से लगा, अगर उस प्रदेश पर विश्वास हो, अगर उस प्रदेश पर विश्वास ना हो वो कभी कोई निवेश नहीं लाएगा, आप कोई समिट कर लेंगे, कोई सभा कर लेंगे, कोई सम्मेलन कर लेंगे, ये जब तक ये विश्वास, अगर मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में है कोई निवेश आएगा सरकार।